बात करेंगे पाइल्स की, जिन्हें हम मेडिकल टर्म में हीमरॉइड्स भी बोलते हैं। पाइल्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, पाइल्स खून की नलियां होती है जो सभी पेशेंट में, सभी में पाया जाता है, नॉर्मल इंसान में पाया जाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को ज्यादा रहता है, ज्यादा जोर लगाता है, तो वो नसें फूल जाते हैं, उन्हें हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जब पेशेंट को पाइल्स होता है, या तो उसको पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पाइल्स के पेशेंट में यूजुअली ब्लीडिंग पेनलेस होती है, पेशेंट को पेन नहीं होता है ब्लीडिंग के साथ। लेकिन अगर पेशेंट को फिसर है तो उसको पेशेंट को पेनफुल ब्लीडिंग होती है, लैट्रिन जाते समय पेशेंट को पेन होता है, फिर पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। या फिर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है कि कुछ लैट्रिन के रास्ते बाहर आ रहा है, मास कमिंग पर रेक्टम, जो कई बार पेशेंट को फिंगर से डिपॉजिट करना पड़ता है उसको, तो हम पाइल्स बोलते हैं। साथ ही इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं लेजर विधि से भी करते हैं, जो कि एक बिना चीर फाड़ वाली सर्जरी होती है। एक दूसरी टेक्निक होती है स्टेपलर तकनीक होती है, उसमें भी बिना चीर फाड़ के पेशेंट की सर्जरी की जाती है। एक तीसरी टेक्निक होती है ओपन, जो कन्वेंशनल काफी टाइम से की जाती है। डिपेंडिंग कि पेशेंट को किस ग्रेड का पाइल्स है, कितनी उसको प्रॉब्लम है, उसके साथ ही हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए कौन सी सर्जरी बेस्ट होगी, वही सर्जरी हम पेशेंट के लिए प्लान करते हैं। धन्यवाद।